हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और सिंपल सरल किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर में ही आइसिंग शुगर कैसे बना सकते हैं। आइसिंग शुगर को हम कन्फेक्शनरी शुगर भी कहते हैं और घर में इसे बनाना भी बहुत आसान है। हम मार्केट से लेकर के आते हैं, वो हमें महंगे पड़ते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप घर में ही इसे बना लीजिए। और इससे जो ये जो शुगर होती है, इसे हम केक बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, खीर और मिठाइयाँ और जो भी हम व्हिपिंग क्रीम बनाते हैं, उन सब चीज़ों में हम इसे यूज़ करते हैं। और इस जो आइसिंग शुगर है, इसे बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये जो चीनी है, जो मार्केट से नॉर्मल चीनी आप खरीद करके ले आते हैं, वो चीनी है, और ये कॉर्नफ्लोर है। तो चीनी हमें लेनी है 1 कप, और जो कॉर्नफ्लोर है वो हमें 1 चम्मच लेनी है। अगर आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, यानी कि चीनी को की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, तो आप इसकी भी उतनी ही क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। यानी कि अगर आप इसे 2 कप लेंगे तो इसे आप 2 चम्मच लीजिएगा। और ये जो कॉर्नफ्लोर है वो हम इसलिए डालते हैं ताकि कभी कभी आप देखते होंगे कि जब हम शुगर को पाउडर करते हैं और उसे स्टोर करके रख देते हैं, तो वो जम जाती है, उसके क्लस्टर बन जाते हैं। तो ये जो फ्लोर है, कॉर्नफ्लोर है, ये उसे जमने से बचाता है, यानी कि ये एंटी केकिंग का काम करता है और बाइंडिंग का भी काम करता है। तो चलिए हम इसे अभी बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ये जार ले लिया है, और अभी इस जार में चीनी को डाल देंगे। इसे हमें फाइन करना है, बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है। और एक चीज़ ध्यान रखिए आप, कि जब भी हम इसे पाउडर करेंगे तो इसे सबसे पहले हम धीरे धीरे करके इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, एक साथ पूरी स्पीड इसकी हम नहीं बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम चीनी को पीसते हैं मिक्सर ग्राइंडर में या घर में, जब भी हम बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें इसे बहुत ही स्लो स्पीड पर चलाना होता है। अगर हम एक साथ स्पीड इसकी बढ़ा देंगे तो चीनी जो है वो नीचे से जल सकती है। इसके लिए सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा स्लो ही चलाएंगे। और इस तरीके से एक दो बार चला के बंद करेंगे। और अभी इसे हम पाउडर बना लेंगे। तो अभी मैंने इसका पाउडर कर लिया है, इसे एक बार और चला देते हैं ताकि इसके बीच में थोड़े बहुत दाने रह जाते हैं। तो इसके लिए इसे थोड़ा इस तरीके से चला करके एक बार और ग्राइंड कर लेते हैं। ये ग्राइंड हो चुका है, और अभी इसके अंदर ये जो कॉर्नफ्लावर है वो डाल देते हैं, और एक बार और चला देते हैं ताकि ये जो कॉर्नफ्लावर है वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए इसमें। ये हमारी आइसिंग शुगर बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल रेडी है। आप इसे किसी भी ग्लास के कंटेनर में डाल करके इसे स्टोर कर दीजिए। और ये बिल्कुल भी इसमें जो है, जो लम्स पड़ जाते हैं आपकी चीनी में, या तो फिर जो उसमें गांठें बन जाती हैं, वो बिल्कुल भी इसमें नहीं होगी। आप इसे स्टोर करके काफ़ी दिनों तक, 1 महीने तक भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।